अब तक आपने देखा क्या हो गया? क्या हो गया? हुआ तितली? अब आप क्या आखिरी फेरा लेंगे? इस फेरे के बाद आप दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। रुको लक्की जी, मेरे पति थे, मेरे पति हैं और हमेशा मेरे ही रहेंगे। हमारी अपनी बुआ और हमारे अपने बाबूजी, इन दोनों ने मिलकर पहले जमुना माँ जी को किडनैप करा और फिर जमुना माँ जी को मारने की धमकी दे दे के हमारे को लाखा से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। पंडित जी बाप यहाँ खड़े खड़े के देखने लग रही, बड़ा ताम झाम खाओ और निकलो यहाँ। पंडित जी कहीं ना जाएंगे छोरे, जो ब्याह तो होके रहेगा। अब आगे लाखा को तितली से ब्याह करना ही होगा। इन दोनों को पंचायत के फैसले को मानना ही पड़ेगा। और जहां तक रह गई जमुना जी की बात, तो उसके बारे में कल सुबह में हम सब लोग मिलके फैसला ले लेंगे। संग्राम सिंह जी, हमारे को लगता है कि इस वक्त आप चारों को क्या सही है और क्या गलत है इसकी समझ नहीं आ रही है। सूझबूझ छोड़कर अहंकारी में फैसले लिए जा रहे हैं, देख रहा हूं मैं। सही कहे से सुषमा जी, जो अहलावत परिवार बगावत पर उतर आया से, पर यो पंचायत अच्छे अच्छे बागियों को ठीक करना जाने से। संग्राम सिंह, जो कैसी भाषा बोल रही है तू? अरे हमारी गांव की पंचायत को मकसद लोगों की भलाई करना है, ना कि तीन तीन जिंदगियां बर्बाद करना। अभी भी वक्त है, समझ जा, नहीं बहुत पछतावेगा तुम। कैलाश जी, आपने तो इस्तीफा दे रखा है, अब आपको बीच में बोलने का कोई अकनास है? अरे छोड़, हक नहीं है। सही बोल रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। रघुवीर सिंह जी, अपने छोरे को बोलिए कि वो ब्याह कर ले, वरना 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 क्या? वरना क्या करेगा तू संग्राम सिंह? जो करना है कर ले। बड़े शर्म की बात है, इस औरत की बातों ने तुझे फुसला दिया संग्राम सिंह। इस औरत की जगह अगर कोई मर्द होता ना, तो दो टुकड़े करके अपने अखाड़े में फेंक देता। और देर से तुम दोनों की बातें सुनता जा रहा हूं। क्या कर लेगा तू? मुझको और मेरे परिवार को गांव निकाला देगा? अरे तू क्या गांव निकाला देगा? मैं खुद अपने परिवार को लेकर के इस गांव से यूं निकल जाऊंगा। हमारे को खुद इस गांव में नहीं रहना है, जहां तुम जैसे दरिंदे बदमाशों वाले फैसले करते हैं। ठीक बोल रहे हो आप। अगर आप इस गांव में ना रहोगे ना, तो हम भी ना रहेंगे, हम भी चलेंगे आपके साथ। ये मालती, तू अकेली को ना, हमारा सारा परिवार जावागा तारे साथ है। चले ए पिंकी, चल सामान बांध, ए बड़ो तैयार हो, चल चलेंगे हम। यहाँ पे सही बोल रही से कमला, चल रघु, चलो छोड़ो गाँव। रुक जाइए, माँ जी जान का वक्त तो आ गया है, पर आप लोगों का ना, इनका इस गांव की पंचायत ने अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया से। इन्होंने सिर्फ कुसुम गसाना की जबरदस्ती शादी नहीं करवाई, बल्कि वो आज फिर से एक जबरदस्ती का ब्याह कराने जा रहे थे। इसलिए आप सभी पंचों को भी गिरफ्तार किया जाता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? चुप। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? हम लोगों ने आज तक सभी फैसले पूरी ईमानदारी के साथ इस गांव के भले के वास्ते लिए हैं। आपके पास क्या सबूत है कि हमने कुसुम का ब्याह जबरदस्ती करवाया? से सबूत से। पायल बिना सबूत के इतनी बड़ी बात बोल ही ना सकती। और अब तक तो ये सबूत हरियाणा क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही होगी। हवालदार जी, लैपटॉप लो। आप सब ये वीडियो ध्यान से देख लीजिए और देखिए सिरसा के पंचायत की असलियत। सिरसा की पंचायत ने जबरन मारा ब्याह कराया था। बस सबसे दुख ही भोग रही हूँ। हमारा पति रोज काम से पी के आवे, ऐसा कोई दिन ना बीतता जिस दिन उसने हमारी पिटाई ना की हो। हर रात बस रो पीट के बीतती है। हमारी इस हालत का जिम्मेदार हमारे पति से ज्यादा सिरसा की पंचायत से, जिसने जबरदस्ती ये ब्याह हमारे सर ठोक दिया। तो ये है सिरसा के कुसुम कसाना की आप बेटी, जिन्हें सिरसा की पंचायत के जबरदस्ती के फैसले का शिकार बनना पड़ा। और आज ऐसा ही एक फैसला लाखा और कोमल सिंह अहलावत पर भी थोपा जा रहा है। ये दोनों पति पत्नी मंझे हुए पहलवान और लाखा सिंह अहलावत को पूरे हरियाणा में आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। सिरसा वासियों, अगर हमारे उभरते हुए खिलाड़ियों को इस रूढ़ीवादी और जबरदस्ती के फैसलों का शिकार बनना पड़ा तो क्या होगा इस राज्य का और क्या होगा इस देश का। कई सालों से सिरसा की पंचायत न्याय के आड़ में जबरदस्ती के फैसले लोगों पर थोपती आई है, जिस वजह से कई जिंदगियां बर्बाद भी हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि कुसुम की गुहार देखने और सुनने के बाद इन जबरदस्ती के फैसलों पर रोक लगाई जाए। प्लान कामयाब हो गया। आप सभी पंचों के खिलाफ कई एनजीओज ने कोर्ट कंप्लेंट करवाई से। और इतना ही नहीं, बड़ों के भाई शंकर दैया ने भी हमारे थाने में आकर आप सबके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई से। और पिछले 6 महीने में आप सभी ने जितने भी निर्णय लिए हैं उन सब पे कोर्ट ने बैन लगा दिया से। और हमें आपको फौरन गिरफ्तार करने के आदेश हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारी एक रिक्वेस्ट है आप तक। इन सबके साथ साथ राम सिंह और सुषमा सिंह ने भी ले जाओ। हम इन दोनों के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे थे कि ना सिर्फ इन्होंने जमुना माँ जी को किडनैप करा और उन्हें मारने की धमकी दी, बल्कि इन्होंने बड़ों को भी किडनैप करा और बड़ों पे जबरदस्ती इन्होंने तलाक के कागजात पर साइन भी करवाए। और फिर हमारे ऊपर लाखा पे शादी करने का दबाव भी डाला। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपने सबूत की जरूरत से तो इनका एक गुंडा स्टोर रूम में से बेहोश पड़ा हुआ है, आप उस दस्ता चुगलवा सके हो। हवलदार, उस गुंडे को गिरफ्तार कर लो। अरे तू ये कह रही से कुछ भी अनाप शनाप आके जाएगी तू? भैया क्या कह रही है थारी छोरी? मैं तो अभी 2-3 दिन पहले ही तो आई हूँ, मैंने ऐसा कुछ ना करया। देख बड़ो, तू ठीक ना कर रही से। हमारे को झूठे इल्जाम में फंसा रही से, ये बात ठीक ना से। मैं थोड़े छोड़ूंगी ना, रुक जा। छोड़ूंगी? अरे बस 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 बुआ, मेरा मतलब तितली की बुआ जी। अरे बस करो ये ड्रामे, बहुत हो गया। जब अगर आपने या फिर इनमें से किसी ने भी बड़ों के ऊपर आंख भी उठाई ना, हाथ पैर उखाड़ के ना इस अग्नि में गिर दूंगा। और इस बार ना मैंने बाबूजी बिना रोकेंगे। मारे को कोई हरा नहीं सके है, कोई ना हरा सके है मारे को। बस कर सुषमा, बहुत हुआ। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना गुनाह मानता हूं। मैंने बड़ों को अगवा किया और बाद में जमुना जी को भी। यह सब मैंने सुषमा के कहने पर किया। सारा प्लानिंग इस सुषमा का था। रघुवीर जी, मालती, लाका, बड़ो मने माफ कर दो। छोरी के मुंह में अंधा हो गया था, इसलिए ये गलत कदम उठाया। बापू, आपने हमारी खातिर इतना कुछ करा। और एक बार मारे तो पूछ तो लेते कि मन्ने क्या चाहिए। हमारा सपना यो ब्यास आदि घर बार ना था बापू। हमारा सपना तो एक इंटरनेशनल एथलीट बनने का था। हमारा सपना मेडल था बापू, मेडल। और आपने हमारी खातिर बड़ो और लाखा का घर तोड़ना चाहा। अब हमारी खातिर वो करना चाह रहे थे जो आपकी तितली ने कदे चाहिए ही ना था। क्यों करा बापू जी आपने ऐसा? बड़ो, मैंने माफ कर दिया। हमारे साथ बहुत बुरा किया मैंने। राम सिंह जी, अगर आपने बस अपनी छोरी को समझने की कोशिश की होती तो शायद आप यो सब नहीं कर बैठते। हम सब यो क्यों सोचते कि छोरियों के जीवन का एक ही मकसद होता है, ब्याह। छोरियों के भी तो अपने सपने होते, पर उन्हें तो सपने देखने की आजादी भी नहीं दी जाती। हमें उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपने सपने सच कर सके। तभी तो यो पूरा समाज तरक्की की ओर बढ़ेगा। यही उम्मीद करके तो इस समाज ने पंचायत को चुना है कि वो आधुनिक सोच के साथ निर्णय ले। जात, धर्म, मर्द, औरत, यो सारे भेदभाव पीछे छोड़ के हमारे पूरे समाज को तरक्की की राह पर ले जाएगी। पर आप सब के पुराने विचार तो हमारे समाज का गला घोट रहे और हमें पीछे खींच रहे। आज हम सब यहाँ समाज है और ये समाज पंचायत से उसका हक वापस लेता है। हमारे समाज को एक इसे पंचायत की जरूरत से जो ना ही सिर्फ सही करने की हिम्मत दे बल्कि गलत के खिलाफ खड़े होने की ताकत भी दे। तभी तो हमारा गांव और देश आगे बढ़ सके। बिल्कुल सही कहा कोमल बेटा तूने। और देश को अगर आगे बढ़ाना है तो गांव-गांव की भलाई करनी होगी। और गांव की भलाई तभी होगी जब ऐसे कमीने लोग और इनके पिछड़े हुए ख्यालात, इन सबका नामो निशान जब मिट जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इनको। ले चलो इन सबने। तितली, हो सके तो मने माफ कर देना। घना सुकर है जो हमारी बड़ों ने बात संभाल ली। देखे ना तुमने पंचों ने किस तरह तबड़ तोड़ सुनाती चली गई। भाभी, बहू किसकी है? बहुत बढ़िया। चलो, यो सब तो बाकी बहुत बढ़िया हो गया, पर मन्ने भी तो घनी भाग दौड़ की से मारी शाबाशी का है ना पायल। घनी शाबाश थारे को भी। बिल्कुल भाभी। और तितली, मैंने थारे को घना ही गलत समझा। अपनी माँ को माफ ना करेगी? अरे तू तो घनी हिम्मत वाली और समझदार निकली है। क्यों जी? भाई वाकई तितली, मारे को तेरे पे बहुत गर्व है। तूने जिस तरह सच्चाई का साथ निभाना हिम्मत से बहुत गर्व से। बापू मैं एक खिलाड़ी हूँ, एक खिलाड़ी तो हमेशा सच का साथ दिया करे ना। हम बराना के बापू इब तो सब ठीक ठाक हो गया, राजी खुशी। तुम भी अपनी सरपंच की गद्दी से बाहर लो, कम से कम गांव में कोई भला बुरा तो देखने वाला चाहिए ना, है ना देवर जी? ना ना कमला, मैं ये सरपंच को पद दोबारा नहीं संभाल सकूं, मैं का योग्य नहीं हूँ। पर हाँ, मैं एक योग्य आदमी को नाम को सुझाव जरूर दे सकूं, और वो कोई और को नहीं, वो है मेरो छोटो भाई रघु। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, लेकिन खास करके आपका धन्यवाद भाई साहब, पर ये जिम्मेदारी मैं स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। अरे हमारे पे तो पहले ही अखाड़े की जिम्मेदारी थे। अरे बाबूजी, हम सब है ना आपकी मदद करने के लिए, आपसे बेहतर सरपंच और कोई ना हो सके। क्यों नहीं हो सके? अब कौन होगा? कौन होगा? कौन बाबूजी? भाई वो आप सबके आंखों के सामने से। कौन? हम देवर जी हीरे ने पिछाड़े, कोमल सिंह अड़ावत। हमारी शिष्य भी है, बहू भी से, और सबसे पहले बेटी से। देखो भाई, भाई आज हमारे देश को क्या जरूरत है? युवा पीढ़ी की जरूरत है, ऐसी युवा पीढ़ी जो जिम्मेदारी को कभी पीठ ना दिखाए, उससे भागे नहीं। और एक बात बताओ, हमारी कोमल से बेहतर और कोई हो सके? हो सके भाई बोलो ना, ना हो सके। बड़ो छोरियों का जमाना है, बन जा सरपंच। सिरसा गांव का सरपंच कैसा हो? भाई देखो, हमको तो पूरा विश्वास है, क्यों है कि नहीं? सबको विश्वास है जी, मैंने मंजूर से। ये बात है। सरपंच जी, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी से। ये बोलो। बात थोड़ी पर्सनल से, तो अकेले में चल के कर दूँ। चल चलो ना। लकी जी, क्या बात होगी? सरपंच जी, मुझे एक निजी समस्या के बारे में बात करनी से। वो बात ना हमारी धर्मपत्नी की से। बोलो जी बोलो, विशेष सरपंच होने के नाते मेरा तो काम ही हो उसे कि मैं लोगों की समस्या सुनूं और फिर उन्हें हल दूं। तो समस्या यो से कि मैं अपनी धर्म पत्नी से लड़ा भी हूँ, उसके साथ फंसा भी हूँ, उसके साथ रोया भी हूँ और उसके साथ झगड़ा भी हूँ। सुना तो है कि आप अपनी पत्नी के साथ झगड़ा बहुत करते हो। तो प्यार भी तो किया से ना, पर मैंने ना आज उससे एक बहुत जरूरी बात करनी से, और वो बात बहुत पर्सनल से। अगर आपका हुक्म हो तो मैं उसे बोल दूं? अगर बात इतनी पर्सनल से तो आप अपनी पत्नी को बताइए, मने क्यों बता रहे हो? बड़ो, अब अगर तू वापस आ गई से तो मैं थार से एक बात करना चाहता हूँ। जो बात ना मैं बहुत पहले करना चाहता था पर कभी कर नहीं पाया, और वो बात मैं आज तुमने बोलना चाहता हूँ। बड़ो, थारे बिना मैं अधूरा ना हूँ, बल्कि थारे बिना मैं कुछ ना हूँ। तू है तो मैं हूँ, तू नहीं तो मैं भी नहीं। हमारी जिंदगी से बढ़। और एक और बात, I love you. क्या हुआ? तो कुछ ना बोली? I love you too, Lucky जी. ऐसे नहीं. बड़ो I love you. I love you too, Lucky. अरे नहीं बड़ो ऐसे नहीं. बड़ो I love you. I love you too, Lucky जी.